ड्राइवर मजदूर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर मजदूर एकता जिंदाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, वापस लाओ ड्राइवर मजदूर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर मजदूर एकता जिंदाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, साडे हक इत्थे रख, साडे हक इत्थे रख, मजदूर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सेंटर सरकार मुर्दाबाद, नितिन गडकरी मुर्दाबाद। हुशियारपुर न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ चेतन कश्यप। इस वक्त हुशियारपुर के मिनी सकत्तरे के बाहर मौजूद हाँ, जिथे कि संयुक्त संघर्ष कमेटी भारत और पंजाब दियां समूह टैक्सी आपरेटर यूनियन वालों पंजाब सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। की कारण है रोस प्रदर्शन करने का? साढ़े नाल गलबात करने लिए मौजूद ने जिला प्रधान नवदीप शर्मा जी, उन्होंने भी गलबात करते हैं। सर अज मोर्चे के सदे से पंजाब भर के टैक्सी आपरेटर यूनियन वालों संघर्ष किया जा रहा है सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार के खिलाफ, की कारण है? इसका सब तो वड्डा कारण यह है जी, जिहड़ी सेंटर दे विच नरेंद्र मोदी सरकार आ, उन्होंने करोना काल के दौरान एक टैक्सी आपरेटर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बिल लिया जी, जिहदे उत्ते असीं बहुत सारे इतराज भेजे, बड़ियां मेलां कीतियां, चिट्ठी पत्र कीता सरकार नाल, पर सरकार ने साडी कोई नहीं सुनी जी। चार सीटर तो लैके नाइन सीटर तक एक कैटागरी बनाती, उन्होंने 25,000 रुपया ऑल इंडिया का टैक्स ला दिता गया फोर सीटर तो नाइन सीटर गड्डी, प्लस उहदे नाल GST नंबर लैना जरूरी हो गया जी। उहदे एक्सट्रा जिहड़े इन्हां खर्चिया तो एक्सट्रा खर्चे है, एक चार सीटर गड्डी एक साल के लिए 40,000 to 45,000 रुपए के ऑन रोड होनी है जी। उन्होंने विरोध के असी सेंटर सरकार दे ते पंजाब सरकार दे विरोध के अज ये सारा कट किया जी। पर सर की लगता पिछला जो पिछला सारा साल से पहला करोना महामारी दौरान जरा हर एक वर्ग में वही सट पहुंची है, टैक्सी आपरेटर में भी वही सट पहुंची है, तो ये केंद्र सरकार वालों नवा कानून जरा टैक्सी आपरेटर के सिर से लागू किया है? बिल्कुल जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने किसानी की तर्ज के उत्ते ट्रांसपोर्ट भाईचारे को खत्म करने लिए खास करके पसेंजर आपरेटर आ जोड़ा, चाहे वह एक फोर सीटर कार वाला है तो चाहे 52 सीटर बस वाला आपरेटर आ, उन्होंने खत्म करने लिए किसानी की तर्ज से काला कानून लिया जी, तो असी ये डट के विरोध करते हैं, करते रहेंगे जदों तक ये कानून वापस नहीं होंगे। ठीक है जी, तो साढ़े ना टैक्सी का किस्सा करने वाले होर भी इतने मैंबर मौजूद ने, उन्होंने भी गलबात करते हैं। सर क्या नाम है जी? चरणजीत सिंह जी, टूरिज्म यूनियन तो अज हुशियारपुर जिले में जिन्हें भी लोकल साड़िया टीम अलग अलग यूनियन तो उन्होंने प्रबंधक पहुंचे हुए आ, जो दो बिल पास हुए आ, एक तो सेंटर ने जोड़ा बिल पास किया है वो असी सोध करवा चाहते हाँ, तो जोड़ा पंजाब गौरमेंट ने नवा बिल पास करवा के रख लिया उन्हों रद्द करवा चाहते हाँ। उस संबंध में असी सारिया यूनियन हेल्पलाइन अज जिला इकट्ठिया हुई, तो DC साहब न अज एक मंग पत्र दे रहे हैं, तो उन्होंने सुचेत करवा रहे हैं भी साड़िया मंगा जल्द तो जल्द प्रवान कीतिया जान, नहीं तो आने वाले समय में यह संघर्ष होर तेज किया जाएगा। धन्यवाद जी। यूनियन वालों 3 घंटे का संघर्ष का भी सदा? हाँ जी, 12 to 3 तक संघर्ष का सदा बड़े वधिया तरीके चल रहा जी, सारिया ही यूनियन शांतमय तरीके नेपरे चाढ़ रही, तो इस टाइम अजे टैक्सी ऑपरेटर टैक्सी मालक चालक ही बंद का सदा से, आने वाले टाइम के जरूरत पई तो पंजाब बंद का भी सदा दिता जाएगा। ठीक है जी। सर की लगता एक पास का देश है जो अन्नदाता है, किसान है, केंद्र सरकार वालों जो काले कानून लागू किए गए हैं उन्होंने लैके धरना, दूसरा जेल हूँ केंद्र सरकार वालों टैक्सी ऑपरेटर जो कानून पास किया गया? देखो जी, बहुत मारू कलून इन्होंने पाया, पहला किसान जोड़े से 4 महीने तो इस धरने से बैठे आ, ठीक है ना, हूँ सानू भी इन्होंने धरने से इन्होंने मजबूर कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो इन्होंने यही बेनती हजे भी कर रहे हैं कि जोड़े कानून इन्होंने लाए आ सेंटर सरकार ने और पंजाब सरकार ने पास किए बिल, इन्हों कैंसल किया जाए, जिदा पेल चलता उदा चला जाए, क्योंकि करोना काल चलन दिया करके उदा ही मारू कानून आ,
ठीक है ना, ये करके साढ़े कई वीर का नुकसान हो सकता क्योंकि टैक्सी किता तो पहले इन्होंने खत्म कर दिता है। ठीक है ना जी, ये असी इस संघर्ष में जो ना ही साढ़े मने तो होर तेज किया जाऊगा तो नवी रणनीति बनाई जाऊ। अच्छा केंद्र के नाल सूबा सरकार सत्ताधारी कांग्रेस सरकार कानून जो इंडा टैक्सी जो है इन्हें भीर टैक्स चल नहीं सकते ना साढ़े भीर इन्हें टैक्स दे सकते किसान वालों भी हमायत की गई है। बिल्कुल जी सेंटर ने सानू ना पुछया कि कानून साडी राय नहीं ली किसी भी किसी यूनियन की भी दिल्ली यूनियन बैठिया साड़ियां पंजाब टैक्सी यूनियन होर भी जिन्नी यूनियन है साड़ियां हुशियारपुर लोकल यूनियन भी बनिया है किसी की कोई सलाह नहीं लई उहदे बारे पुछया नहीं सानू कि कानून लगे लाउण ते जिहड़ा कानून है बिल्कुल गलत है जी ते ट्रैवल दे वास्ते नहीं 75,000 लाया तो छोटी गड्डी 4 सीटर तो लैके 9 सीटर तक जो 25-26,000 रुपया लाया जी तो ट्रैवल जो 1,25,000 के उपर जाऊगी जी छोटी गड्डी 40-45,000 रुपये ये सानू कानून जो मंजूर है नहीं इस करके आप यही कहने जी कि साडा जो डीसी ने अपने भेज रहे हैं मंग पत्र उस तो बाद साडी कोई नहीं कोई सुनवाई होगी जो संघर्ष आप पूरे पंजाब के तेज करेंगे पूरे ऑल इंडिया के जिन्हें यूनियन है सब तेज हो अपने रोस प्रदर्शन होर तिखे किए जाएंगे।